हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौधरी। तो दोस्तों, हमारे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज ठंड ज़्यादा हो गई है बारिश की वजह से, तो टोपा पहनना पड़ रहा है। इसने तो कुछ पहना ही नहीं, क्योंकि लेडीज़ों को ठंड कहाँ लगती है। मैं ऑफिस आया, बहुत हवा चल रही थी शाम के टाइम। पहना इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ नहीं पहना, मतलब टोपे की बात कर रहा हूँ मैं। कान में हवा, बाबू है छोटा, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ना। ऑफिस से आ रहा था, सुबह से बारिश हो रही है। जब जाते टाइम भी बारिश हो रही थी, आते टाइम भी बारिश हो रही है। दिन शाम को जब मैं मेट्रो से निकला बाहर, तो इतनी तेज हवा, ठंडी ठंडी चल रही है ना। बारिश के बाद का जो मौसम है इस टाइम पे, बहुत ही सुहाना ठंडी पूरी मौसम, मतलब एकदम ठंड का अब एहसास हो रहा है कि ज़्यादा बढ़ गई है हवा चलने की वजह से। तो दोस्तों, अभी दिल्ली का टेम्परेचर पता नहीं कितना है, वैसे बहुत ठंड हो गई है आज की बारिश से। तो गाइस, ये डुग्गू चढ़ चढ़ के पूरा एकदम शरीर का ऐसी तैसी कर देता है। अभी साथ भी सो रहे हैं और हमने खाना भी खा लिया है जल्दी मौसम ठंडा हो रहा है ना, तो हमने सोचा कि जल्दी से खा पी के अपना। मैं भी थोड़ा जल्दी आ गया था आज, तो हमने खाना वाना खा लिया। आके आए थे जब तक मैंने बना लिया था खाना, तो फिर हमने गर्मा गर्म खा लिया। और ये डुग्गू बनाने नहीं दे रहा ब्लॉग, परेशान कर रहा है, बार बार आके चढ़ जा रहा है बॉडी पे। ये तो गाना चालू कर दो तो बस डांस शुरू हो जा रहा है इसका। बेटा फोन हिलने लग रहा है, एनर्जी आ गई है। हाँ, अभी बच्चे ठंडे में, मतलब सर्दियों में क्यों इतना एक्टिव हो जाते हैं मुझे समझ में नहीं आता। गर्मी से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं सर्दियों में, बहुत ज्यादा बदमाशी करते हैं। देखो, सॉक्स निकाल दिया तुरंत, खींच के फेंक दिया, हो गया। ये बिना सॉक्स के ये ठंड में पीटूंगी पीटोगी बेटा? मेरे से बात मत करो, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है, ऐसे मारूंगी क्या आज का मारूंगी। नहीं 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 मारेगी मामा बेटी, नहीं तो ये दूंगी मैं। नो नो नो, डांट दो मामा को, नहीं डरेगा तुमसे, ठीक है? मेरे पास है, अभी मैं डांटूंगा तो डर जाएगा। तो दोस्तों, ठंड में जल्दी खा के और बिस्तर में घुस के आराम से पड़े रहो, कितना मज़ा आता है ठंडे मौसम में। और कुछ काम ना करना पड़े, आराम से पड़े रहो तो बस। आपको काम क्या करना पड़ता है यार? फिर भी कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही जाता कि नीचे उतरना, फिर बिस्तर पर निकलना। मैं कितना काम करती हूँ, पानी में सारा दिन, खाना, कपड़े। तो देखो दोस्तों, डुग्गू कैसे परेशान कर रहा है, कूद रहा है चढ़ चढ़ के बॉडी पे। बारिश में कहीं जाना भी नहीं हो पा रहा है, सब्जी लेने एक चली जाती थी मैं, वो भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और डुग्गू की हर एक शैतानियाँ आप देख सकें कि ये क्या क्या करता है, कैसे हमें परेशान करता है। अभी देख रहे हो कैसे कर रहा है, परेशान करके रख देता है। रात को सोते टाइम पे इसको सोना नहीं होता है, खेलने का वो हो जाता है, खेलने के लिए परेशान करता है। फिर लाइट जला के बैठे रहो, खेलेगा। और परेशान मैं होती हूँ, ये नाक बजा के सो जाते हैं। सोता हूँ मैं तेरे साथ ही, सोता हूँ टाइम पे ही, मतलब जो तेरा टाइम होता है सोने का वो मेरा होता है। मैं भी जगा रहता हूँ, उसको देखता रहता हूँ क्या क्या कर रहा है। मैं दूध पिलाती हूँ, फिर आप क्या करते हैं? गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप। पुत्ती दे दो ले बाबा। मिठू है, मिठू है ये तो यहाँ पे यहाँ बैठो बैठो, पुछी दे दो, पुछी दे दो, पुछी दे दो मेरे को। देख रहे हो गाइस, डुग्गू पुछियाँ बांट रहा है। किससे प्यार करते हो सबसे ज्यादा? मेचे करती है ना बेटा, मेचे करती है ना। मेरे को पहले से पकड़ रखा है, ठीक है?
नहीं, बारी बारी से खींच के बता रहे मेरे से प्यार करती हो? नहीं पापा से। मेरे से करती हो ना प्यार? किससे प्यार करती हो? जल्दी से बता दे पापा। दिन में मेरे को मिस करते हो बेटा? मैं ऑफिस में रहता हूँ तो। हाँ करते हो मिस? हाँ करता है। किचन में बिल्ली आई है क्या? तो खड़खड़ खड़खड़ हो रही है। आज पता है ऑफिस में जाते जाते बहुत काम था आज। आज तो फोन भी नहीं, क्योंकि लॉकडाउन लगने वाला है ना सैटरडे संडे, तो उसकी वजह से और ज़्यादा काम का प्रेशर बढ़ गया है। लेकिन जब पूरा लॉकडाउन लग जाएगा तो काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जानबूझ के सब कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों लॉकडाउन की वजह से ना। मेट्रो में इतनी भीड़ बढ़ने लगी है, 40-45 मिनट तक खड़ा होना पड़ रहा है लाइनों में बाहर इस टाइम पे। क्या करेंगे? बारिश बंद हो गई ना? नहीं टिटी टिटी तो हो रही है अभी, बिल्कुल माइनर सी बूंद बांदी सी रह रही है थोड़ी सी। ठंड बहुत ही ज़्यादा हो रही है, हवा चल रही है और अभी बारिश तो मतलब ख़त्म हो चुकी है फिलहाल। बाहर बालकनी में भी जाने का मूड नहीं हो रहा इस टाइम पे, इतनी ठंड हो रही है। हवा आ रही है बिल्कुल फ्रेश ठंडी ठंडी, जैसे पहाड़ों पे आती है। पानी कितना ठंडा हो रहा है? बहुत ही ठंडा हो रहा है ना, आया हाथ में लग रहा था उस टाइम पे, तो ऐसा लग रहा था बर्फ का पानी। सोचे दिन भर हम पानी में। पानी में और क्या, गरम कर लिया करो ना थोड़ा। कितना गरम करें? तो दोस्तों देख रहे हो ठंड में कितनी परेशानी होती है लेडीज़ों को, बर्तन धोने, खाना बनाना, कपड़े धोने ठंडे पानी से। बिल्कुल, हम तो कभी कभार हाथ वाथ धोना होता है तो हमें ऐसा लगता है ठंडा लग रहा है ज़्यादा। पता चल गया, फाइनली पता चल गया। अच्छा तो कल का क्या प्लान है? क्या प्लान है? सुबह जल्दी चलना है थोड़ा, मेट्रो में लाइनें लग रही है ना, तो जल्दी निकलना पड़ेगा। हमारे प्लान बनाने से कुछ नहीं होता है। तो फिर कौन प्लान बनाएगा? आपके ऑफिस में आपका बॉस। बाकी मुझे तो टाइम पे जाना है, बस वही है मेरा प्लान। बाकी बाहर तुम क्या नाश्ता दोगी, क्या लंच दोगी, तो वो तो तुम्हारी हेडक है, तो वो अपना प्लान बताओ फिर। वो तो भगवान के ऊपर है, भगवान कितना कल ठंड करेंगे उस हिसाब से देखते हैं। मतलब ये क्या है, ठंड की वजह से मेरा लंच पे इफेक्ट पड़ेगा? नो नो ऐसी बात नहीं है, लंच तो दूंगी मैं। हाँ आपका लेट हो सकता है अगर। गाइस हमने तो आज खाना खा ही लिया है जल्दी, और डुग्गो भी बहुत परेशान कर रहा है, पता नहीं क्या होने लग रहा है, तो इसलिए हम वीडियो का एंड करते हैं अब, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक करें और डुग्गू को ढेर सारा प्यार दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जरूरी से सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों दिल से सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए अच्छे ब्लॉग ला सकें और टाइम निकाल सकें आपके लिए। ओके गाइज बाय बाय।